हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जीएसटी में हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर आप थोड़े समय के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं, किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कहीं और छोटे समय के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तरह से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दो सवाल इस सर्कुलर में, सर्कुलर नंबर 71 जो कि 26 अक्टूबर 2018 को इश्यू किया डिपार्टमेंट ने, दो सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल उन्होंने कहा कि हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने से पहले, तो वो एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड जो ग्रॉस टैक्स जमा कराना है या नेट टैक्स जमा कराना है। तो उन्होंने सेक्शन 27 का हवाला दिया और जीएसटीआर अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि आपने जो एडवांस टैक्स जमा कराना है वो नेट टैक्स जमा कराना है। नेट टैक्स का मतलब है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास आ सकता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए का मटेरियल आप बेच रहे हैं, 18,000 रुपए का टैक्स है, उसके ऊपर आपने 80,000 रुपए का मटेरियल इनपुट लिया, उसके ऊपर जो भी आपका 14,400 रुपए का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी 3600 है, तो आप 3600 जमा कराएं ना कि 18,000 रुपए जमा कराएं। पहला इशू। दूसरा इशू उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हम जानते हैं सेक्शन 27 में 90 दिनों के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो आपकी रिक्वेस्ट पे, रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पे 90 दिन फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं, टोटल 180 दिन के लिए मिलता है। लेकिन कई रिप्रेजेंटेशंस डिपार्टमेंट के पास आई, उसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 180 दिन से ज्यादा का भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन दीजिए। उसका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने यह बताया कि अगर आप 180 दिन से ज्यादा कहीं पर भी एग्जीबिशन करते हैं, कहीं शोकेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कीजिए और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका वो एग्जीबिशन प्लेस माना जाएगा और आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर या जो भी कंसेंट लेटर उस एग्जीबिटर का आपके पास है वही सफिशिएंट प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और आपको एडवांस टैक्स की भी लायबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे करते हैं वो यहां जरूरत नहीं है और अगर जब आपका वो एग्जीबिशन खत्म हो जाए तो आप उसको सरेंडर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये दो बातें थी जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में थी। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।